स्टूडेंट वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 इन साइंस 1। ओके, एंड इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एसिड बेस विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ओके, अभी रेफरेंस के लिए हमें चाहिए क्लास 9 का साइंस का टेक्स्ट बुक जिसमें चैप्टर नंबर 5 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। अभी देखो ये रिवाइज करने के बाद स्टूडेंट विल एबल टू क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इन डेली यूजेस विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर। स्टूडेंट आल्सो एबल टू एक्सप्लेन द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड स्टूडेंट आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिस एबिलिटी तुम लोगों में आ जाएगी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एसिड बेस से। अभी देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस दिए गए हैं, उसको क्या करना है, हमें क्लासिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। ओके, तो चलो पहला है लेमन। दिस लेमन कन्वर्ट, अगर हमने ब्लू लिटमस लिया, दिस ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। देन टैमरिंड क्या करता है, ब्लू लिटमस टर्न रेड। उसके बाद है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू। उसके बाद है बटर मिल्क, बटर मिल्क कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। उसके बाद है विनेगर, दिस कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। उसके बाद है ऑरेंज, इट कन्वर्ट द ब्लू लिटमस रेड। उसके बाद है मिल्क, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। देन लाइम है, लाइम कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। उसके बाद जो है टोमेटो, दिस ऑल्सो कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू। ओके, और उसके बाद है वाटर, लेकिन वाटर में जो लिटमस पेपर है एज इट इज रहता है, मतलब ब्लू ब्लू रहेगा, रेड रेड रहेगा। इसके ऊपर से हम एसिड और बेस किसको बोलेंगे, तो एसिड किसको बोलेंगे, दैट कन्वर्ट द विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा उसको एसिड बोलेंगे। फिर बेस किसको बोलेंगे, एग्जैक्ट अपोजिट, That means which turn red litmus blue. Okay, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। Then, अभी देखो सम फूड स्टफ आर सोर इन टेस्ट। अभी हमने देखा कि कुछ कष्ट होते हैं हमारे रोज के, जो हम डेली या हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें कुछ कैसे होते हैं, सोर होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज द एसिड। ओके, अभी कुछ कैसे होते हैं, सब्सटेंस विच आर बिटर एंड स्लिपरी और सोपी टू टच and these are called as the bases. Okay, तो ये test दी गई है acid और base की। Then अभी कुछ common जो substances है aqueous solution के, aqueous मतलब addition of water में, तो different different substance के different different pH दिए गए हैं and this one is pH scale, जिसके बारे में हम आगे discuss करने वाले हैं। तो जो बीच में 7 जो होता है, this one is neutral. Okay, जो pure water या sugar solution का होता है pH। Then जो hydrochloric acid जैसे HCl, तो इसका पीएच होता है 0। देन गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है उसका पीएच होता है 1। उसके बाद लेमन जूस, उसका पीएच होता है 2.5। विनेगर का होता है 3। उसके बाद टोमेटो जूस का होता है 4.1। ब्लैक कॉफी का होता है 5। उसके बाद एसिड रेन का होता है 5.6। देन यूरिन का होता है 6.0 और रेन या मिल्क का होता है 6.5। अभी अगर हम 7 के ऊपर गए तो इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज होते जाता है पीएच, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऊपर का जो है HCl, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे जैसे हम 7 के तरफ आते हैं तो एसिडिक कंडीशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन उसके बाद जो है 7 के बाद इंक्रीज हो रहा है, ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा जिसका पीएच है 8.5। उसके बाद हमारी जो टूथपेस्ट होती है उसका पीएच होता है 9.5। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। उसके बाद लाइम वाटर का होता है 11 और NaOH जो है दिस वन इज 14 होता है। मतलब 7 से जब इंक्रीज होता है टूवर्ड 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, देन अभी एक टेबल दिया है जिसमें सब्सटेंस है उसकी टेस्ट पूछी गई है, इंडिकेटर के नाम दिए गए हैं। अब सब्सटेंस में एसिड बेस है, सबसे पहले देखते हैं एसिड की टेस्ट। हमने अभी देखी सोर टेस्ट होती है, लेकिन इसको टेस्ट कभी करके नहीं देखना है। ओके,
देन लिटमस एसिड टर्न द ब्लू लिटमस रेड. अगर एसिड टर्मरिक के साथ आ गई तो येलो कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है पिंक, और फिनोफ्थेलिन का कलरलेस हो जाता है एसिड के साथ कलर. अब बेस की टेस्ट होती है बिटर. लिटमस पेपर क्या करता है, बेस रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है. अगर बेस के साथ टर्मरिक आ गई हल्दी तो रेड कलर की हो जाएगी, और मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर फॉर्म करता है, और फिनोफ्थेलिन पिंक कलर फॉर्म करता है. अब उसके बाद हम देखते हैं अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस. ओके, तो एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर. आफ्टर डिसोल्यूशन मतलब इसको हमने पानी में डाल दिया तो इट गिव्स राइज टू एच प्लस आयन एज ओनली कैटायन. कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज. अगर हमने इसको पानी में डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो एच प्लस आयन हमें क्या करेगा, देगा. और इसका जो एग्जाम्पल है एसिड के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. ओके, देन अभी बेस क्या है? दिस इज ऑल्सो सब्सटेंस विच ऑन डिजोल्विंग ऑन वाटर. मतलब अगर इसको हमने पानी में डाल दिया तो ये कौन से आयन देता है? OH माइनस आयन देता है, जिसको एनायन बोला जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल NaOH का एग्जाम्पल देखो, अगर इसको पानी में डाल दिया तो ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं. तो KOH है, NaOH है, CaOH बाय 2, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस. देन अभी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक बेस या वीक बेस एसिड किसको बोलेंगे, और अल्कली किसको बोलेंगे. चलो पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एब और बेस. तो जैसे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, अगर हमने इसको पानी में डाल दिया तो ये डिसोसिएट होंगे, मतलब अपने आयन सेपरेट करेंगे कम्प्लीटली. ओके, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस. तो इसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है NaOH. अभी वीक एसिड या वीक बेस किसको बोलेंगे हम, दिस डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली. ये डिसोसिएट नहीं होते कम्प्लीटली, मतलब ये आयन कम्प्लीटली फॉर्म नहीं करते, सेपरेट नहीं होते. तो इसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, और बेस का एग्जाम्पल है, वीक बेस का एग्जाम्पल है NH3. अब अल्कली क्या है, द बेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वॉटर, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaOH या KOH. अभी उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस क्या है. देखो उसके लिए हमें एक सिंपल एक्टिविटी करना है, लेमन लेना है, उसके दो इक्वल पार्ट करना है. देन अभी दो सेपरेट बीकर लेना है, और दोनों का भी जूस हमें क्या करना है, उस बीकर में आधे आधे लेमन का जूस लेना है. उसके बाद अभी दो बीकर हमारे पास है, पोर 10 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन वन बीकर. एक बीकर में हमें क्या करना है, 10 ml वाटर डालना है. तो दूसरे इसमें हम क्या करेंगे, 20 ml वाटर ऐड करेंगे. देखो हमने दूसरे इसमें ज्यादा वाटर डाल दिया. देन अभी इसको क्या करना है, हमें स्टर करना है, ताकि हमने जो जूस और पानी डाला है ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे. अभी इसको हमें टेस्ट भी करना है. तो देखो क्वेश्चन है, इज देयर इज डिफरेंस इन टेस्ट ऑफ सोल्यूशन इन टू बीकर. तो टेस्ट तो डिफरेंट आएगी. ओके, तो व्हाट इज दैट डिफरेंस, फिर डिफरेंस क्या है. तो जो जिसमें हमने 10 ml वाटर डाला था, इसकी ज्यादा ये ज्यादा सौर रहेगा, ज्यादा खट्टा मालूम पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो बीकर है जिसमें हमने 20 ml वाटर डाला था तो ये खट्टा कम लगेगा. देन अभी ये जो है, पहले इसमें देखो जो जो जूस था, लेमन जूस था, मतलब अभी जो हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो रिवाइज कर रहे, तो यहाँ क्या है, सोल्यूट सेम. ओके, आधा आधा लेमन का हमने जूस लिया था, लेकिन सोलवेंट कैसा है, डिफरेंट है. एक इसमें हमने 10 ml डाला था, दूसरे इसमें 20 ml डाला था. मतलब जो 10 ml वाला जो है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो जिसमें सोलवेंट ज्यादा है, दिस वन इज डाइल्यूट सोल्यूशन. ओके, अभी pH ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, देखो अभी एसिड एंड बेस, अगर एक इसमें एसिड है, दूसरे इसमें कंटेनर में क्या है, बेस है, तो डिसोसिएट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट ऑन डिजोल्विंग वाटर. अगर हमने एसिड और बेस वाटर में डाल दिया तो ये अपने आयन कम या ज्यादा फॉर्म करते हैं. ओके, एंड फॉर्मिंग दैट इज एसिड फॉर्म एच प्लस आयन, एंड बेस फॉर्म OH माइनस आयन. अभी ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं. जैसे एच प्लस आयन एंड OH माइनस आयन आर फाउंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में एच प्लस एंड OH आयन OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं,
और दैट डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सोल्यूशन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डायल्यूट है, ओके स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है. अभी ये जो स्केल दिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज पीएच स्केल, एंड पीएच मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन. ओके अभी दिस पीएच स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14, ए एक्सटेंड होती है, और अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है हमारा, इसका जो पीएच होता है 7 होता है. अभी दिस पीएच दैट इज 7 इंडिकेट, ये 7 क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक कब बोलेंगे, जब लेस देन 7 होगा. मतलब अगर हम इधर गए ना, तो लेस देन 7 रहा तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक. मतलब 7 से 0 तक गए हम, 0 की तरफ बढ़े, तो नेचर कैसे रहेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है उस सब्सटेंस का. और बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब ग्रेटर देन पीएच इज ग्रेटर देन 7. मतलब अगर हम 7 से 14 तक गए, तो देखो बेसिक नेचर क्या होता है, उस सब्सटेंस का या सॉल्यूशन का इंक्रीज होते जाता है. ओके अब डिसोसिएशन ऑफ आयन मतलब क्या, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वाइज सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, आयन्स फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स एक्वाइज सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस कंटेन, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन. अभी देखो यहाँ तुम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिख रही, जैसे एक कंटेनर है उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, एनोड है, उसके बाद सर्किट हमने किया है. तो अभी क्या करेंगे, सर्किट को हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना है. तो चलो हमने की ली, अभी की क्या की, हमने ऑन की. ओके यहाँ डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. तो देखो इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा सोल्यूशन है, CuSO4 पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. तो क्या होगा, दिस Cu2 प्लस आयन अट्रैक्ट टूवर्ड द कैथोड, ये क्या होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा. और कैथोड की रिएक्शन क्या रहेगी, दिस वन इज द कैथोड रिएक्शन, एंड एनोड की दिस वन इज एनोड रिएक्शन. ये तुम लोगों को ख्याल में रखना है. अभी देखो यहाँ हमारा कंटेंट खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे वर्कशीट की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई में द सब्सटेंस गिवन इन फॉलोइंग रिएक्शन इज एसिडिक और बेसिक, ये लिखना है हमें. देखो यहाँ 2 रिएक्शन दी गई है, तो ये देखो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, OH माइनस आयन फॉर्म हो रहा है ना, तो ये बेसिक है. और यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, H प्लस आयन फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, एसिडिक. तो तुम लोगों को ये ब्लू जो दिखाए गए ना, ये लिखना है, लेकिन क्वेश्चन लिखना ही है. ओके देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट गिवन रीजन, मतलब कुछ इवेंट दिए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये लिखना है. तो चलो सबसे पहला इवेंट देखते हैं, व्हेन बेकिंग सोडा मिक्स विथ लेमन जूस, अगर लेमन जूस में हमने बेकिंग सोडा डाल दिया और मिक्स किया, तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, लेकिन ये बबल्स जो होंगे ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रहेगी. ओके अभी क्यों रीजन है, तो हम ऐसा क्यों हुआ, ये तो केमिकल चेंज है, तो क्यों हुआ, तो ये जो लेमन जूस है, दिस रिएक्ट विद बेकिंग सोडा एंड एज अ रिजल्ट इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. तो ये हो गया पहले इवेंट का आंसर. अभी दूसरा जो है, दूसरा इवेंट क्या दिया गया है, और लेमन लिटमस पेपर वॉज ड्रॉप इन टू 2 ml डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक दैट इज HCl. ओके तो क्या होगा, ब्लू लिटमस टर्न रेड, मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड ना, और ये जो टेस्ट है, दिस वन इज एसिड बेस टेस्ट है. ओके अभी तीसरा जो इवेंट है, दैट इज डायल्यूट H2SO4 दैट इज हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज ए इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और उसमें अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. अब बल्ब ग्लो क्यों होगा, क्योंकि हमने जो एसिड लिया था, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड ना. अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है और आयन फॉर्म होता है, और आयन्स आर नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ज्यादा आयन फॉर्म करने की वजह से करंट भी पास होगा और बल्ब भी क्या होगा, ग्लो होगा. उसके बाद है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है, उसको करेक्ट करना है. पहला स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 7 ऑन पीएच स्केल, तो इसको हमें करेक्ट करना है. तो ये क्या है, यहाँ डिक्रीज होता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 7, 7 से अगर हम 0 तक गए, तो क्या होते, स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाती है. ओके
देन अभी सेकंड वन है कि ब्लड इज एसिडिक, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ब्लड कैसे होता है? बेसिक होता है। अभी हमने देखा कि 7.4 पीएच होता है हमारे ब्लड का। थर्ड स्टेटमेंट है लाइम वाटर इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी इन अवर बॉडी। तो लाइम वाटर नहीं यूज किया जाता, तो वहां यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेस। चलो सबसे पहले हम देखते, देखो यहाँ कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं मोनोबेसिक एसिड कौन सा है इसमें से, तो HCl और HNO3। डायबेसिक एसिड कौन सा है? H2SO4, H2CO3। और ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है? तो H3BO3 और H3PO4। अभी देखते हैं मोनो एसिडिक बेस कौन सा है, तो NaOH है। डाई एसिडिक बेस कौन सा है? CaOH/2 है। और ट्राई एसिडिक बेस कौन सा है? FeOH/3 है। देन अभी फिफ्थ क्वेश्चन है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। एक छोटी सी एक्टिविटी करना है और ऑब्जर्वेशन तुम लोगों को रिकॉर्ड लिखना है, एक टेबल भी दिया गया है। तो क्या करना है? सबसे पहले टेक व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर लेना है। उसके बाद जो टर्मेरिक हल्दी जो होती है उसको वाटर के साथ मिक्स करना है, उसकी पेस्ट बनाना है। और उस जो हमने व्हाइट पेपर लिया था उसके ऊपर लगा के उस व्हाइट पेपर को हमें ड्राई करना है। उसके बाद लेमन जूस लेना है एक बाउल में, दूसरे बाउल में हमने डिटर्जेंट की पेस्ट लेना है। और उसके बाद वो जो ड्रॉप है या पेस्ट है उस कागज पे, टर्मरिक जो हमने लगाए थे पेपर के ऊपर, उसको लगाना है। और नोट द कलर। अब कलर क्या चेंज हो रहा है इसको नोट करना है, जो हम टेबल में रिकॉर्ड करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। सबसे पहले यह है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। जो हमने लिया था उसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? तो लेमन जूस एसिड है और सोप वाटर क्या है? बेस है। उसके बाद है ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद अदर सिमिलर इंग्रेडिएंट। मतलब जैसे हमने हल्दी ली थी ना, वैसे हम रेड कैबेज ले सकते हैं, बीटरूट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पूछा है व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर इज टर्मरिक। तो टर्मरिक क्या है? दिस वन इज नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद है फाइंड सम अदर इंडिकेटर लाइक टर्मरिक। तो टर्मरिक जैसे और कौन सी इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर? जैसे रोज पेटल है, बीटरूट भी है, रेड कैबेज भी है। एक टेबल दिया गया है, देखो यहाँ कुछ नाम दिए, जैसे सब्सटेंस में टर्मरिक दिया है, यहाँ लेमन जूस और सोप वाटर है। तो यहाँ हमें लिखना है टर्मरिक लेमन जूस के साथ अगर ये, तो क्या होता है येलो कलर फॉर्म होता है, और सोप वाटर के साथ ये रेड कलर फॉर्म करते हैं। तो ये जो है ब्लू कलर के ये सभी आंसर है और रेड कलर के क्या है? क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ हमारी वर्कशीट नंबर थर्ड खत्म हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट।